हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बागी व्लॉगर हर्ष। तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ और मैं जा रहा हूँ केदारनाथ भोले बाबा के यहाँ दर्शन करने। और अभी हरिद्वार में फ्यूलिंग हो रही है तो मैं सोचा कि इंट्रो बना लूँ और फिर मैं आप पहुँच के आपको गुप्त काशी में हमारा स्टे रहेगा आज रात का और कल से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो मैं आपको वहाँ पहुँच के और दिखाता हूँ कि कैसा रूम वगैरह है। तो बने रही ब्लॉग में, बहुत तगड़ा ब्लॉग होने वाला है और बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो जय हर हर महादेव। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम में आप विभिन्न तरीक़ों से जा सकते हैं। पिट्ठू करके जा सकते हैं, पालकी से भी जा सकते हैं, या तो आप घोड़ों से भी जा सकते हैं, खच्चर से भी जा सकते हैं, या तो आप चॉपर से भी जा सकते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। बट हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको पहले से करानी पड़ती है। बात करूँ खाने पीने की, तो यात्रा के दौरान आपको हर जगह खाने पीने का भी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। जय श्री केदार। तो गाइज, मेहनत और मशक्कत के बाद आंधी पानी धूप गर्मी को पीछे छोड़ते हुए मैं गुप्त काशी पहुंच चुका हूं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा रूम है और हम नाइट स्टे करेंगे, साथ में पैकेज में ही डिनर वगैरह इंक्लूड है। तो अभी चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके मैं डिनर करूंगा और सुबह हम यहां से निकलेंगे गौरीकुंड, और जो कि 25-30 किलोमीटर है होटल से। और गुप्त काशी में हमने ले रखा है ये होटल, जो कि पैकेज में ही इंक्लूडेड है। होटल काफी अच्छा है, गीजर वगैरह सब है इसमें। तो सुबह हम आपसे मिलते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आने से पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है रजिस्ट्रेशन, तो वो करा के आइएगा बिना रजिस्ट्रेशन के। रास्ते में चेकिंग होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है, वो करा के आइएगा। तो आपसे मिलेंगे सुबह गौरीकुंड में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज ए कंटेंट के लिए। बोल बम। अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने, उससे पहले आपको मैं अपने जूम से व्यू दिखाता हूँ, कितना बढ़िया और शानदार व्यू आ रहा है देवभूमि में, भोले बाबा की नगरी में। तो वेट एंड वॉच। तो गुड मॉर्निंग सभी को बाबा के धाम से और गुप्त काशी से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अब हम निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। आप पीछे में देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और अब हम जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए गौरीकुंड से, जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है 22 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है। और चलते हैं अब, और पीछे आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी कमाल का व्यू है। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं गौरीकुंड, वहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 4.5 घंटे के बाद हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग पार्किंग गुप्त काशी से, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। और यहाँ से आप अगर जिस भी व्हीकल से आते हैं, अपने व्हीकल से आते हैं या प्राइवेट व्हीकल से, तो यहीं तक वो आती है। इस पार्किंग में आपको खड़ा करना पड़ेगा, या तो पीछे सीतापुर पार्किंग है वहां पे, फिर यहां से आपको शेयरिंग टैक्सी करके जाना होता है 50 रुपीज पर हेड, जिसका सुबह टाइमिंग है 4 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। तो अभी हम लेंगे शेयरिंग टैक्सी और उसके बाद हम जाएंगे गौरीकुंड, वहां से ट्रैकिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तो गाइस, ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 2, हर हर महादेव। तो देखते हैं हम कब पहुंचते हैं ऊपर बाबा के धाम। तो बने रहिएगा और एंजॉय करिए, वेदर तो बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों, आप देख सकते हो सारे यात्री यात्रा करते हुए भोले बाबा की, और हम भी रास्ते में हैं। हमने 3 बजे यात्रा स्टार्ट की और रास्ता आप देख सकते हो घोड़ों से भरा हुआ है और आदमियों से भी भरा हुआ है, यात्रियों से भरा हुआ है। और जो आए, एक इम्पोर्टेंट सूचना, चल चल के रेस्ट करते रहो और पानी पीते रहो और भोले बाबा का नाम लेके चलते रहो आगे। अब व्यू देख सकते हो पीछे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बस घोड़ों से सावधान रहिएगा आप, बाकी हर हर महादेव करते हुए चलना है। तो गाइज, अभी मैं कैंप में हूँ और ट्रैकिंग करके हम पहुँच गए ऊपर। और जो लोग कहते हैं रास्ता बहुत आसान है, बट कठिन बहुत है, तो पूरी लगन और मेहनत के साथ ही आप ट्रैकिंग करिएगा अगर कोई प्लान कर रहा है तो। और रास्ता घोड़ों की वजह से बहुत दिक्कत होती है, तो आप घोड़ा ले सकते हैं तो बेस्ट है कि आप चॉपर लो, आपको भीड़ से भी बचोगे आप और घोड़ों की
से भी बचोगे, क्योंकि जब घोड़े रास्ते में चल रहे हैं ट्रैकिंग के टाइम तो फिर ट्रैकिंग हो नहीं पा रही है, तो बहुत दिक्कत हुई है। खैर, तो वो महाकाल के आशीर्वाद से हम पहुंच गए हैं। और अभी तो मंदिर, मैंने यहाँ आके पता चला कि रात में 10 से लेके सुबह 3 बजे तक VIP दर्शन होता है, तो अभी वो बंद है। तो अभी हम दर्शन करेंगे सुबह, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ओके, और आपको सुबह मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। और घोड़ों की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, तो और रास्ता वैष्णो देवी की तरह सपाट नहीं है, रास्ता बहुत कठिन है, तो पूरी लगन के साथ आपको ये यात्रा पूरी करनी होती है। हर हर महादेव, जय श्री केदार, गुड नाइट। अब हम आपसे कल सुबह मिलते। गुड मॉर्निंग सभी को बाबा की नगरी से, और सुबह हो चुकी है, ब्रश कर लिया हूँ मैं, और अभी जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने, फिर दर्शन हम करेंगे। रात में मंदिर क्लोज हो जाता है 10 बजे से लेकर 3 बजे रात तक, वो VIP दर्शन के लिए खुला जाता है, तो अभी हम जाएंगे। और व्यू काफी प्यारा है, बाहर जाता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे मंदिर के पास, बने रहिएगा ब्लॉग में। अब बात करूँ कैंप की फैसिलिटी की, तो इसमें एक बल्ब था और अभी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसकी साउंड आ रही थी। खैर, तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें एक आपको बल्ब मिलेगा कैंप अगर आप लेते हो तो, और उसके साथ एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छी चीज है, सुविधा अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं। रात में आप अगर लेट आते हैं तो आप कैंप लेके स्टे कर सकते हैं, फिर सुबह दर्शन कर सकते हैं। हम लेट हो गए थे रात में ट्रैकिंग करते करते, इसलिए हम रात में दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम अभी बाबा के दर्शन करेंगे। और टेम्परेचर भी ठीक है, धूप निकली हुई है, मौसम बहुत सही है, बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे मंदिर। तो दोस्तों, मंदिर के हम बहुत करीब, अभी दर्शन के लिए हम निकले हैं। अब व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बस घोड़ों से आप सावधान रहें। दोस्तों, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद बाबा के धाम में हम पधार दिए हैं, और जय श्री केदार, भोलेनाथ की जय हो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया हमें। और ये सीधा रास्ता है जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम गली से करके आए। सामने आप भीड़ देख सकते हो श्रद्धालुओं की। तो गाइज, एक आवश्यक सूचना, मंदिर 6 महीने के लिए ही खुलता है, अप्रैल या मई मंथ में ये ओपन होता है, और अक्टूबर या नवंबर तक ये ओपन रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कि ये कब तक ओपन रहता है। गाइस, फाइनली मैं मंदिर के बहुत पास हूँ, आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में, और अलग ही फीलिंग है, सुकून मिल रहा है यहाँ पे बाबा के चरणों में आके। मंदिर के पास ओपन हो जाता है, तो गाइज ये है भीमशिला का वो इम्पोर्टेंट पत्थर जो कि 2013 में जब प्रलय आया था, तो इसी पत्थर, ये पत्थर अचानक ऊपर से गिरा था, और इस पत्थर से पानी दो भागों में अलग अलग बट गया था, जिससे मंदिर बच गया था। तो आज के दिन, आजकल जब से प्रलय के बाद बाढ़ आई थी, जब 2013 में आपदा जो आई थी 16 जून को, तो उसके बाद इस प्रलय, इस भीमशिला का जो जी का जो पत्थर है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाता है। तो जब भी आप केदारनाथ जाएं तो आप भीमशिला का जरूर दर्शन करें। और यहाँ से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए अंग्रेजी में, केदारनाथ मंदिर का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद दर्शन आपको भैरव बाबा का मंदिर भी है ऊपर, यहाँ से ट्रैकिंग उसकी स्टार्ट होती है, 2-3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। तो गाइस, मैं रामबाड़ी पहुँच चुका हूँ, अब हम नीचे जा रहे हैं ट्रैक डाउन करके, और यहाँ से आधा डिस्टेंस और कवर करना है, आधा हमने कवर कर लिया है, और आप देख सकते हैं भीड़। और आते टाइम बारिश हो रही थी, तो आप सारी TNCs फॉलो करते हुए ट्रैकिंग करें, रास्ते भर खाते हुए चलें, और पीछे देख सकते हैं
नज़ारा कितना प्यारा है, और ये देखिए इस साइड का नज़ारा, और आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, जिसकी टिकट हमें को नहीं मिली थी। कोई बात नहीं, बाबा का दर्शन हमने चल के किया, पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। बना लिया बने तो आज ट्रैकिंग वापस हो रही है नीचे की, और जाते टाइम रात हो गया था तो इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाया था, इसलिए मैं अब दिन में कवर कर रहा हूँ। तो बने रहेगा ब्लॉग में, और कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं बताऊँगा या दिखाऊँगा। कृपा से ये यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, और आई वुड सजेस्ट कि जो भी आए दर्शन करने यात्रा करने वो प्रॉपर शूज ट्रैकिंग वाले लेके आए, क्योंकि बहुत कीचड़ होता है। और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग दिन में ट्रैकिंग करना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने भी आने जाने दोनों टाइम दिन में ही ट्रैकिंग की, क्योंकि रात में लाइट्स तो जल रही हैं बट ये लाइट जब जाती हैं तो मैंने देखा कि जो घोड़े वाले हैं ये फ्लैशलाइट से मतलब ले जा रहे थे लोगों को, तो बहुत रिस्की है रात में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप रात में ट्रैकिंग ना करें और दिन में ही करें, सुबह सुबह स्टार्ट होकर के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, गौरीकुंड पहुँचने वाला हूँ, और गौरीकुंड से टैक्सी लेके हम जाएंगे सोनप्रयाग, और वहाँ से जिस व्हीकल से दिल्ली से हम आए हैं वो व्हीकल हमें होटल छोड़ेगी। मिलते हैं आपसे होटल में, क्योंकि देखते हैं होटल सेम मिलता है या दूसरा मिलता है इस बार। मिलते हैं आपसे होटल में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 6 जून, और रात में मैं दर्शन करके आके बहुत थक गया था, इसलिए मैं सो गया था, और सेम होटल मिला मेरे को। और अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस। तो जैसे कि मैंने बताया था, यात्रा बहुत अच्छे से हमारी कंप्लीट हो गई भोले बाबा के आशीर्वाद से। तो एक बात कहना चाहूँगा, जो भी वीडियोज रील से इन्फ्लुएंस होके आए आना चाहता है वो प्लीज़ ना आए, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी। ट्रैकिंग बहुत टफ है और रास्ता भी बहुत खराब है, बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाता है, प्लस घोड़े एंड ऑल से बहुत इशू होता है चलने में। ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हो तो घोड़े एंड ऑल से बहुत इशू होता है, तो अगर सच्ची लगन भावना और भक्ति से आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हो। बट हाँ, वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर प्लीज़ बताना, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी। और हर हर महादेव, हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, अब महादेव दिखते हैं कब बुलाते हैं, फिर तो हम फिर आएंगे। और नेक्स्ट टाइम क्या पता चॉपर से ट्राई करेंगे, चॉपर की बुकिंग अभी तो थी नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बताइएगा आपको ये केदारनाथ की यात्रा कैसी लगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार, टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।